बहुत बहुत धन्यवाद मेरे कार्यकर्ता को, मेरे मुख्यमंत्री जी को, मेरे जिलाध्यक्ष जी को, सभी को, मेरे जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्या प्राथमिकताएं तय की है क्षेत्र के विकास की? प्राथमिकता तो बहुत है करने के लिए, सब करेंगे, हमारे बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं तो सब काम करेंगे। तो आपका आपने भी तय किया होगा, मुझे सब जिला अध्यक्ष जी है हमारे और सब है तय, तो संगठन कहेगा और जनता कहेगी, जनता का पूरा काम करूंगी और सभी। मैडम जीत का अंतर बहुत कम रहा? जीत का तो देखो जनता जनादार है। शांता देवी जी, राजकुमार रोहत कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है और जो निर्दलीय को वोट पड़े थे वो भाजपा को दे दिए, सवाल उठा रहे हो। अच्छा, ऐसा है, एक दो वोटों से तो है ही नहीं, अभी ये आपको पता है कितने वोटों से जीती हूँ, तो एक दो वोटों से होता गड़बड़ी होती, अब ये तो सभी जनता जान रही है कि क्या हुआ है जो। अब ठीक है जी, भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा वोट लेकर आई है सलूमगढ़ में। सलूमगढ़ में जो वोट थे भारतीय जनता पार्टी के, इनके स्वर्गीय पति अमृत लाल जी के, उससे अधिक वोट आप लेकर आई है, ये ठीक है कि अब पता नहीं कांग्रेस की क्या स्थिति वहां पर हो गई कि कांग्रेस का सारा जो वोट था वो शिफ्ट हुआ है बाप में, तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना घर देखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का घर तो पहले से अधिक मजबूत होकर आया है, और जहाँ तक विकास की बात है, स्वर्गीय विधायक अमृत लाल जी ने वहाँ पर 17,000 करोड़ रुपए के काम इस बजट के माध्यम से कराए थे, जो काम अधूरे हैं वो आदरणीय शांता जी का प्रण है, संकल्प है, ये पूरा कराएगी, और पानी की समस्या का हम सब मिलकर समाधान करेंगे, क्योंकि कुछ गलत तरीके से अलाइनमेंट नहीं है, कहीं टंकियाँ नहीं बनी हुई, वो छोटी मोटी जो समस्या है उनको अलाइनमेंट को निकालेंगे, जब पानी व्यर्थ बह रहा है उसको नई पाइपलाइन डालेंगे, और जहाँ जहाँ भी समस्या है उसका सबका समाधान करें। नरेश मीणा के चुनाव लड़ने से आपकी राह आसान हुई है सर? नहीं नहीं, ये तो पहले ही तय कर लिया था भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं ने, नाते सब जन हमारे कार्यकर्ताओं ने, और हमारे आम जन ने के भी, राजेंद्र गुर्जर हमारे पहले भी विधायक रहे हैं, और इस बार उन्होंने पहले मन बना लिया था कि मुझे इतना मत और समर्थन दिया है, आपको दिखने कितने मत मिले हैं, पहली बार इतने वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को कि अब तक की सबसे बड़ी जीत है, तो ये सब लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, उन्होंने मेरे पर खूब भरोसा जताया, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार मेरे पे विश्वास जताया, मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा और उनकी समस्या को मेरी समस्या समझ के काम करूंगा। समरावता में जो घटना हुई इसको कैसे? दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, दुर्घटना गलत हुई। क्षेत्रीय विकास के लिए क्या प्राथमिकता तय की है? क्षेत्रीय विकास के लिए वैसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हमारी दिया कुमारी जी मुख्यमंत्री जी ने, प्रेमचंद जी ने, और हमारे प्रभारी मंत्री दामोदर जी अग्रवाल, हमारे सांसद साहब हैं ये कन्हैयालाल जी चौधरी साहब ने, पहले ही जो हमारे डूब क्षेत्र की समस्या थी 17 साल पहले, ये रोड थे जो इरीगेशन डिपार्टमेंट के पास थे, पर उनको PWD में हैंडओवर करके उनका टेंडर भी कर दिया, तो ये सौगात थी हमारे लिए। 33 KV GSS और 32 KV GSS जो नासिरदा में और रामथला में खोला है उन्होंने, और भी हमारे जो जैसे नैणवा को जोड़ने वाली रोड थी, पुलिया थी, तो पानी अवरुद्ध हो जाता था आने के लिए, तो वो समय कनेक्टिविटी कट जाती थी, 1.25 करोड़ की पुलिया बालापुरा से रायपुरा होती हुई नगर फोर्ट, उसका भी कई सौगातें दिए। तो थप्पड़ के साथ एक मांग भी आई थी कि जो देवली उपखंड में गांव जुड़े हुए 5 पंचायतें हैं जो कि 75 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, और उनियारा उपखंड 15 किलोमीटर दूरी पर है, जिन जिन्होंने भी मांग रखी है, हमारे मंत्री महोदय ने पहले भी मोहम्मदगढ़ को और घोटड़ा को चुनाव से पहले भी, उनको जब आचार संहिता नहीं लगी उससे पहले उन्होंने शामिल कर लिया उनियारा में, इनकी मांग थी, मांग सबकी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और उनकी मांग हम पूरी करते बात करके सबकी राय से, पर कई लोग जुड़ना चाहते हैं, कई नहीं जुड़ना चाहते, तो जो जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ेंगे, जो नहीं जुड़ना चाहते हैं उनको नहीं जोड़ेंगे, सबके साथ जाएंगे, उनसे बात करेंगे, सबसे बात करके ही काम करेंगे, क्योंकि कई लोगों की सहमति है, किसी की नहीं है, तो राजेंद्र जी, एक कांग्रेस के एक नेता ने आरोप लगाया कि जो समरावता में जो काम हुआ वो सीएम साहब के ऊपर आरोप लगाया, उन्होंने करवाया बोला, ऐसा कोई होता नहीं, आप जानते हो कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कभी भी नहीं चाहता उसकी जनता के साथ अन्याय हो, और हम को उससे क्या है, हम तो हमारी जनता का ही है, हम सब जनता के प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, तो हम सबका फर्ज बनता है कि हमारी जनता सुखी रहे, आनंद से रहे, और किसी प्रकार की उनको दुखी परेशानी नहीं हो, हम सब उसके लिए काम करते हैं, हम तो हमारे पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति की सुविधा के लिए काम करने वाले लोग हैं, उसके पास सरकार की सभी योजना, केंद्र की, राजस्थान सरकार की योजना पहुँचे,
और उसका लाभ मिले हम तो उनके लिए करते हैं, आनंद के लिए करते हैं, हम तो गरीब को गणेश मान के सेवा करते हैं। एक बात और कही है कि जिनका नुकसान है उनका नुकसान सरकार भरे। देखो मुआवजा नहीं हर आदमी इधर देख कर वो सीएम सीएमआर का घेराव करेंगे कुछ दिन। देखो लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है बात कहने का, करे सब करते हैं लोकतंत्र में, अपना कोई वो नहीं है, सबको लोकतांत्रिक तरीके से सब भी आरोप भी लगते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सरकार तो हमेशा गरीब की मदद के लिए खड़ी है। आपको देख आप देख रहे किस प्रकार इतने मत मिल रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी मिल रहे हैं, सरकार की प्रशंसा ही है, सरकार की कुछ उपलब्धियाँ हैं। मैं तो विधायक अब बनाऊँ तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, सब गरीब के लिए काम कर रही है, आमजन के लिए काम कर रही है। नुकसान हुआ सरकार भरेगी, उसको मुआवजा मिलेगा? देखो सब जांच करके और जो भी होगा मिलना चाहिए सबको, पर वो राय मशवरा करके जो भी जांच की मांग भाई जो भी देखो लोकतंत्र में सबको न्याय मिलना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं जांच।